हेलो गाइस, तो अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करने की प्लान कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। इस समय फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर बहुत अच्छी डील्स आपको देखने को मिलेंगी फेस्टिवल सीजन सेल के दौरान। तो दोस्तों अगर आप एक नया स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं और वो भी 8000 से 30000 के बीच में, तो इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। आज हम आपको यही बताएंगे कि आपको 8000 से 30000 के बीच में कौन से स्मार्टफोन है जिन्हें आपको परचेस करना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है राम प्रजापति और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गैजेट न्यूज़ हिंदी पे। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ पर बजट स्मार्टफोन से। दोस्तों तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर 7000 की प्राइस पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो स्मार्टफोन है वो देखने को मिलेगा रियलमी का C11। यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले, बैक में 13 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों 7000 के प्राइस पर बहुत ही अच्छी डील है। और अगर हम बात करें यहाँ पर अगले स्मार्टफोन की, अगला है दोस्तों इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस। यहाँ पर आपको 6.82 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले मिल जाएगी, बैक में 13 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमरा सेंसर, 6000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ ही आपको MediaTek Helio A25 का यहाँ पर प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो खास बात है, यहाँ पर आपको 6000 mAh की बैटरी और बहुत ही बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन पसंद है तो आप इस फोन के साथ में भी जा सकते हैं। दोस्तों अगला जो स्मार्टफोन है वो भी 7000 में आपको देखने को मिल जाएगा, टेक्नो स्पार्क गो 2020। यहाँ पर भी आपको 6.52 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 13 मेगापिक्सल के ड्यूअल कैमरा बैक में और 5000 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर भी आपको MediaTek Helio A20 का क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तब आप इन तीनों स्मार्टफोन में से किसी एक को परचेस कर सकते हैं, नहीं तो गाइस आगे की लिस्ट देखें वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे और वो भी कम प्राइस पर। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं 7 से 10000 की प्राइस पर। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा 10000 की प्राइस पर वो है पोको की तरफ से पोको एम। दोस्तों यहाँ पर आपको फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 6.5 इंचेस की, 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप और साथ ही यहाँ पर आपको MediaTek Helio G80 का प्रोसेसर दिया गया, तो बहुत अच्छा प्रोसेसर भी है यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर आपको 6GB तक की रैम देखने को मिल जाएगी। दोस्तों तो 10000 की प्राइस पर ओवरऑल बहुत अच्छा पैकेज है। दोस्तों अगर आपका बजट 10000 रुपये, तो एक बार जरूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अगले स्मार्टफोन की, तो अगला जो है दोस्तों वो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 10। दोस्तों यहाँ पर भी आपको 6GB रैम देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको जो स्टोरेज दी गई है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपको 128GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, 6.78 इंचेस की बहुत ही बड़ी HD+ की डिस्प्ले यहाँ पर आपको दी गई है, साथ में यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, बैक में 5200 mAh की बैटरी दी गई है और साथ ही अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G70 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये भी बहुत अच्छी डील है, बहुत अच्छा पैकेज। गाइज अगर आपको रैम और स्टोरेज चाहिए तो आप इन्फिनिक्स के इस फोन के साथ पे जा सकते हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन है रियलमी नार्जो 20। यहाँ पर आपको 6.52 इंचेस की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेंसर, 6000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी, यहाँ पर आपको MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी डील है दोस्तों, अगर आप इस स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहें तो जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप रियलमी नार्जो 20A के साथ में भी जा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं 10 से 15000 की प्राइस पर। तो यहाँ पर आपको फ्लैगशिप लेवल स्पेसिफिकेशन वाले फोन्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर पहले फोन की दोस्तों, तो पहला है पोको M2 Pro। यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बड़ी बैटरी और यहाँ पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। तो कमाल का प्रोसेसर है, आपको परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी और साथ ही यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा पैकेज भी मिल रहा है दोस्तों बिग बिलियन डेज के दौरान। तो दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से रियलमी 7। यहाँ पर आपको 6GB रैम, 64GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, 6.5 इंचेस की फुल HD+ की डिस्प्ले दी गई है, 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और MediaTek Helio G95 का यहाँ पर आपको प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, साथ ही यहाँ पर आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छी डील है, अगर आप रियलमी का कोई स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं 10 से 15000 की प्राइस पर तो आप इस फोन के साथ में जा सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे स्मार्टफोन की, तो दोस्तों तीसरा स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से सैमसंग A50s।
तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको सबसे अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 15,000 की प्राइस पर। यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिलती है 6.4 इंचेस की, 48 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा और 4000mAh की यहाँ पर आपको बैटरी भी मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों गेमिंग के लिए यह प्रोसेसर नहीं बना है, तो अगर आप एक गेमिंग के लिए फ़ोन परचेज करना चाहते हैं तो आप रियलमी 7 या फिर पोको M2 Pro के साथ में जा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर एक और ऑप्शन की, तो सैमसंग M21 भी आपको देखने को मिल जाएगा 15,000 की प्राइस के अंदर। तो अगर आपको फ़ोन परचेस करना है दोस्तों, तो आप उसके साथ पे भी जा सकते हैं। ये दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर हम 20 से 25,000 की प्राइस पर, और यहाँ पर आपको सबसे पहला स्मार्टफोन देखने को मिलेगा सैमसंग गैलेक्सी F41, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। दोस्तों यहाँ पर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 6000mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी दी गई है, 64 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल कैमरा सेंसर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको एक्सिनोस 9611 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको सैमसंग का फ़ोन परचेस करना है 20,000 के अंदर, तो आप इस फ़ोन के साथ में जा सकते हैं, या फिर आप सैमसंग M31 या फिर M31S भी परचेस कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे स्मार्टफोन है। दोस्तों दूसरा स्मार्टफोन है 20,000 रुपये के अंदर, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोको की तरफ से पोको X3। यहाँ पर आपको 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। दोस्तों तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गेमिंग में, और साथ ही यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 732G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, और यहाँ पर आपको एडवांस कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप, 6000mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी भी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आप एक गेमिंग लवर हैं और आप एक गेमिंग के लिए स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी डील है, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है दोस्तों, तो आप इसके साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों 20,000 की प्राइस पर यहाँ पर एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा, Realme 7 Pro। तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, 4500mAh की बैटरी है जिसके अंदर आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही आपको Qualcomm Snapdragon 720G का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर एक बेस्ट ऑलराउंडर है 20,000 रुपये के अंदर, अगर आप रियलमी के स्मार्टफोन के साथ में जाना चाहें। दोस्तों अब बात करते हैं हम 20,000 रुपये के ऊपर की प्राइस पर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो ऑप्शन है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहली जो डील है दोस्तों, वो है आईफोन की तरफ से iPhone SE। यहाँ पर आपको 4.7 इंचेस की रेटिना HD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, A13 का बायोनिक चिप देखने को मिल जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, IP67 की रेटिंग के साथ में यह स्मार्टफोन आता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो कैमरा देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, बहुत ही अच्छी पोर्ट्रेट मोड आप इसके अंदर क्लिक कर पाएंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आप आईफोन का कोई फोन परचेस करना चाहते हैं तो दोस्तों बिग बिलियन डेज के दौरान ये बहुत ही अच्छी डील आपको मिल रही है। प्राइस 20,000 रुपये के ऊपर आपको यहाँ पर Realme का X3 भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको 6.57 इंचेस की फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। इसके साथ में आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा का सेटअप, 4200mAh की बैटरी, और इसी के साथ में आपको Qualcomm Snapdragon 855 प्लस का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से आप इस फ़ोन के साथ में भी जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपको यहाँ पर डील देखने को मिल रही है। दोस्तों 20,000 रुपये के ऊपर सैमसंग A70S भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 64 मेगापिक्सल का आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, 4500mAh की यहाँ पर बैटरी दी गई है, और यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 675 का प्रोसेसर भी दिया गया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छी डील है सैमसंग के स्मार्टफोन के ऊपर। दोस्तों अगर आप Amazon से परचेस करना चाहते हैं, तो आप OnePlus Nord या फिर Samsung M51 को परचेस करते हैं 20,000 रुपये के ऊपर, बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आप उनमें से कोई एक फ़ोन परचेस करना चाहते हैं तो आप उन्हें परचेस कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।